स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ था। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया 0.82, हम इसको किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर 0.082 आ जाए। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अब हमने इसको मतलब हम नॉर्मल में इसको इसको अपने माइंड में चेंज करना है, तो मैं इसको एक बार चेंज करके बता रही हूँ कि कैसे इसका आंसर निकलेगा। तो हमारा था 0.82, तो हमने इसको फर्स्ट फ्रैक्शन में चेंज किया, 82/100 डिवाइड यानी डैश था, और जो लास्ट में डिजिट थी 0.082 हमने इसको 1/1000 इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। अब देखो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 1000, मतलब कितना जीरो बढ़ा हमारे पास, 10। तो इसको मतलब हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको 10 से। तो एज इट इज़ आपने आंसर निकालना है। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन ई क्वेश्चन है 4.63 डिवाइड बाई डैश, आपका आंसर आना चाहिए 0.00463। सो हमने इसका डेसिमल हटाया तो हमारे पास आ गया 100/1000 डिवाइड, और इसका हमने हटाया तो हमारे पास आ गया 1 लाख। तो अब देखो इसमें हमने मामा हमारे कितनी जीरो बढ़ी है, 100 से चेंज होकर जीरो कितनी बढ़ गई, 2 तो था हमारे पास, 30 लगी है। तो 30 किस में आती है, 1000 में। तो इसका मतलब हम किससे इसको डिवाइड करेंगे, 1000 से। अब हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये आंसर कैसे आएगा, तो एक मिनट आप ये देख लें। हमारा था 463/100, 100 डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, एंड 1/1000। तब हमने ये चेंज किया, अभी ऊपर के डिजिट एज इट इज़ और फिर इसमें पॉइंट लग जाते हैं। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू इजीली कैन डू योर क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। थैंक यू।